वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी सेलिब्रिटी और सैयद कमाल साहब एवरग्रीन हमारे स्टार हमारे साथ मौजूद हैं और हमें यकीन है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे लिए भी बड़े एजाज़ की बात है, बहुत मज़ा आ रहा है बातचीत करते हुए। इतने सारे सवाल जहन में आ रहे हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ। क्या कमाल साहब रानी साहिबा के साथ भी बड़े आपके होता है, वो बताइए। हमारे साथ बहन भाई की कराची में पहले फिल्म, मगर वो सारे पैसे वो मुख्तार बेगम लेती थी, तो रानी ने मुझसे कहा कि मेरी असली एक माँ है, उसे कुछ भी नहीं देती। तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। तो जब मुख्तार बेगम लंदन गई हुई थी, वापस आई तो मैंने झूठ कह दिया कि आप छोड़ दीजिए इसका पीछा। उनका तुम कौन होते हो, मैंने कहा मैंने इससे शादी कर ली, झूठ कह दिया। अच्छा, बस मुख्तार बेगम उसे गालियाँ देती हुई चली गई और उस दिन के बाद से रानी अपनी असली माँ को बुला लिया, अपने बाप को बुला लिया और वो उसके साथ रहने लगी। मेरे करीबी घर मैंने दिलवा दिया था, वो घर में रह गए। रानी के साथ मेरा काफ़ी दिनों तक दोस्ती रही, अच्छे ताल्लुकात रहे और उसके बाद मैं उससे शादी नहीं कर सकता था, मगर मेरी शादी नहीं हो सकती तो फिर मैंने कहा तुम बेशक किसी और को पसंद कर लो। उसी दिन मैं कराची आया, मेरी मंगनी हो गई मेरी मौजूदा बीवी से। तो रानी आई मेरे पास और उसने तस्वीर मुझे फेंकी, एक जोकर फिल्म की थी जिसमें वो दुल्हन बनी हुई थी, उसमें लिखा था मंगनी मुबारक हो रानी। उसके बाद से मैंने रानी को कभी नहीं देखा, वो बेचारी चली गई, उसने हसन तारीख से शादी की, एक और शादी की और इसी तरह सरफराज नवाज साहब से, हाँ बहुत सारी शादियाँ की मगर वो सेटल ना हो सकी और कैंसर के मुजिब मर्ज में इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। मुझे अफसोस है कि एक अच्छी फनकारा से हम महरूम हो गए। अब कमाल साहब हम ये करते हैं कि आपसे मुख्तसर सवाल करते हैं, उसका जवाब देते हैं। ये बताइए कि नापसंदीदा कोई शख्सियत आपके सामने हो, उसको कितनी देर बर्दाश्त करते हैं आप? मैं उसको पूरे वक्त बर्दाश्त करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि वो पसंदीदा बन जाए। अच्छा अच्छा कमाल साहब मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह आपके चार बच्चे, तीन बेटियाँ एक बेटा, ये जो औलाद होती है ये कमज़ोरी होता है या सहारा? मेरे ख्याल से कमज़ोरी है, सहारा तो बाद में बन जाती है और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके औलाद उनका सहारा बनती है। माशाल्लाह मेरे तो चार बच्चे हैं और चारों मैं समझता हूँ मेरा सहारा है। कमाल साहब ये जो आपने 52 साल लगाए हैं शोबिज में, इसमें आपने क्या खोया क्या पाया? आज़ादी खो दी है, सच्ची बात ये बात मैं आपसे कहूँ कि आज़ादी खो दी है, वो आज़ादी जो कि एक्टर बनने से पहले थी, घूमते फिरते थे शरारते करते फिरते थे, अब अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व करना पड़ता है। और आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी जो आपको बहुत पसंद है? मुझे अपनी बहुत सारी फिल्में पसंद हैं, मुझे हम दोनों बहुत पसंद है जिसमें हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी मेरा गाना अप टू डेट बनाए और ऐसा बोला, मुझे वो पसंद है, मुझे तौबा पसंद है, मुझे जोकर पसंद है, मुझे रोड टू सवाद फिल्म आपकी बड़ी कामयाब फिल्म थी, उसमें गाना बड़ा मशहूर है, मुझे ज़ाहिर तौर बड़ा पसंद है, अहमद रुश्दी साहब ने गाया था ये अदा ये नाज अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का, वो भी एक अच्छे माहौल में दोस्ती में वो फिल्म बनी। अच्छा हमारी इंडस्ट्री में, पाकिस्तान इंडस्ट्री में अब जो नए लोग काम कर रहे हैं, आप फिल्में देखते हैं उनकी, तो इनमें बेहतर कौन है? मेरे तो ख्याल से शान इस वक्त सबसे अच्छा हीरो है। इलेक्शन लड़ा आपने और इतनी एक वेल नोन पर्सनालिटी जिसको आवाम पहले से जानते हो, लेकिन इलेक्शन आप हार गए, इसकी क्या वजह? देखिए हमारे मुल्क में मेरे ख्याल ये है कि अदाकार को हमारे आवाम जो है ना वो सियासतदान नहीं समझते। अच्छा, हालांकि सियासतदान हमारे हमसे ज़्यादा अदाकारी करते हैं मगर उन पर भरोसा कर लेते हैं, उन्हें मतलब जितवा भी देते हैं। अदाकार कभी भी खड़ा हुआ था, इनायत हुसैन भट्टी भी खड़ा हुआ था, मैं भी खड़े हुए थे, मगर क्या फ़ायदा हुआ? मुस्तफ़ा कैशी साहब भी फिल्मों की नहीं, मुस्तफ़ा तो नहीं, मुस्तफ़ा तो खड़े नहीं हुए, सियासी जहन है उसका। शफी उमर शाह खड़े हुए थे, शफी खड़े हुए थे, सारे नाकाम हो गए। हालांकि उसके बरक्स आप देखिए हिंदुस्तान में जो भी अदाकार मतलब सियासत में आया वो कामयाब हुआ है। और कमाल साहब कोई ऐसी ख्वाहिश है, अल्लाह ने आपको इज्जत दौलत शोहरत सब, कोई ऐसी ख्वाहिश जिसकी आप तकमील चाहते हो? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैं इस सिलसिले में सिर्फ ये कहूँगा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझे इज्जत की ज़िंदगी दे और इज्जत की मौत दे,
और मैं मरने के बाद भी याद रखा जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है बस। मरने से डर लगता है? नहीं, मरने से डर नहीं लगता, मरना एक हकीकत है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे ख्याल से हर आदमी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये तो एक जो अटल हकीकत, जो जिंदा है वो जाएगा भी, और कोई सारी उम्र जिंदा तो नहीं रह सकता ना, तो उसने जाना भी है। मगर वो अगर ऐसे काम करके छोड़ जाएगा जो याद रखा जाए, मैं समझता हूँ कि उसकी आवाम में पसीराई हो और वो हमेशा याद रखा जाए, वो हमेशा जिंदा रहता है। वी आर डेड ओनली व्हेन वी आर फॉरगॉटन। अगर कोई भुला दिया जाए तो मौत होती है, अगर वो जिंदा, अगर वो ना भुलाया जाए तो हमेशा जिंदा रहता है। जैसे बहुत से लोग आज भी जिंदा हैं, हालांकि उस दुनिया में फिजिकल नहीं है। कभी विजुलाइज किया आपने, शोबिज के लोग तो बहुत, आप डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर भी, कभी विजुलाइज किया कि जन्नत तो जक्का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तस्वर है? गालिब ने एक शेर कहा था, हमको मालूम है जन्नत के एक लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जन्नत हम समझते हैं कि बहुत से लोगों को इस दुनिया में जन्नत मिल जाती है, बहुत से लोगों को इस दुनिया ही में दोजख मिल जाती है, मगर ये हकीकत है कि मरने के बाद असल ज़िंदगी शुरू होती है और आखरत की ज़िंदगी, और उसके लिए इंसान को काम करना चाहिए। आपसे बात कर बहुत खुशी हुई, और मेरी ख्वाहिश है कि ये बातों का सिलसिला चलता रहे, टीवी सेलिब्रिटी का एक एपिसोड आपके साथ हम और करें इंशाल्लाह। चाय का बड़ा मज़ा आया, और जब आप चाय पिए तो ये चाय, अच्छा अच्छा, उन्होंने आपके तोहफा भेजा है, आप पी के देखिएगा अच्छा, कैसी चाय है। जरूर जरूर, मैंने तो पिया है अच्छा चाय को, और बहुत लुत्फ़ाला होता है। आप भी ट्राई कीजिए। शुक्रिया आपका, आपकी आमद का और आपके इस तोहफे का, मैं तहे दिल से मशकूर। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम टी विद सेलिब्रिटी एवरग्रीन। सैयद कमाल साहब आज हमारे साथ थे, उनसे हमने बहुत सारी गुफ्तगू की। उम्मीद की आपको पसंद आया। फीडबैक के लिए नंबर आप इस स्क्रीन पर देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।